सो गाइज ये है डोमिनोज का गोल्डन कॉर्न पिज्जा, अभी काफी गर्म है। सो इसे मैं फटाफट अभी अनबॉक्स करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ अनबॉक्स करके और उसके बाद टेस्ट भी करके। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू वीडियो में। सो गाइज का वीडियो जो है काफी मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं डोमिनोज के गोल्डन कॉर्न पिज्जा को जो है वो रिव्यू करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि उसकी टेस्ट कैसी है, उसके साथ साथ उसके ऊपर की टॉपिंग जो है वो कैसी है और उसके नीचे का क्रस्ट कैसा है। सो मैं ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और खास बात यह है कि डोमिनोज का गोल्डन कॉर्न पिज्जा जो है वो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूँ और उसके साथ साथ उस पिज्जा को टेस्ट भी कर लूँ। सो मैंने अभी अभी डोमिनोज से उस पिज्जा को मंगवाया है, तो अभी आपके सामने उसको अनबॉक्स भी करता हूँ और उसको टेस्ट करके भी आपको दिखाता हूँ कि सच में वो टेस्टी है या नहीं है। वैसे गोल्डन कॉर्न पिज्जा ट्राई करने के लिए मुझे काफी लोगों ने रिकमेंड भी किया था कि आप एक बार डोमिनोज का गोल्डन कॉर्न पिज्जा को ट्राई करके देखो, पर मैंने कभी सोचा नहीं उसके बारे में। तो मुझे लगा कि आज मैं ट्राई करके देखता हूँ उसको और उसके साथ साथ आप लोगों को भी बता देता हूँ कि डोमिनोज का गोल्डन कॉर्न पिज्जा कैसा है, उसकी टेस्ट कैसी है और वो जो गोल्डन कॉर्न पिज्जा है वो खाने लायक है या नहीं है। वैसे तो मुझे डोमिनोज के सारे पिज्जा काफी पसंद आते हैं, पर अभी तक मैंने जो है गोल्डन कॉर्न पिज्जा को टेस्ट ही नहीं किया था। तो चलिए फटाफट उसको टेस्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि सच में वो पिज्जा टेस्टी है या नहीं है और उसको अनबॉक्स भी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट उसको टेस्ट कर लेते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको डोमिनोज का कौन सा पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे मुझे काफी अच्छा लगता है कि कोई मुझे बताए कि हमने ये पिज्जा ट्राई किया, वो पिज्जा ट्राई किया, हमें ये पिज्जा पसंद है, वो पिज्जा पसंद है, तो मैं भी उसको ट्राई कर पाऊंगा, आने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर पाऊंगा। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको डोमिनोज का सबसे ज्यादा कौन सा पिज्जा अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट डोमिनोज के गोल्डन कॉर्न पिज्जा को अभी अनबॉक्स कर लेते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि मुझे वाकई में वो अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइज ये है डोमिनोज का गोल्डन कॉर्न पिज्जा, अभी काफी गर्म है। सो इसे मैं फटाफट अभी अनबॉक्स करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ अनबॉक्स करके और उसके बाद टेस्ट भी करके। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो गाइज अभी डोमिनोज के गोल्डन कॉर्न पिज्जा को अनबॉक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कितना मतलब बढ़िया लग रहा है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था इतना टेस्टी लगेगा, मतलब दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। सो मुझे देख के तो ये काफी पसंद आ रहा है। तो चलिए फटाफट अभी टेस्ट भी कर लेता हूँ उसको। और वैसे उसके ऊपर जो है टॉपिंग्स भी डाले हुए हैं, थोड़ा बेबी कॉर्न डाला हुआ है, उसके साथ साथ जो है चीज़ भी डाला हुआ है और मुझे लगता है इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा सॉस वगैरह भी डाला हुआ है। तो इसको फटाफट अभी टेस्ट कर लेता हूँ और मुझे इस पिज्ज़ा को देख के काफ़ी फ्रेश लग रहा है। मैंने वैसे तो मैंने डोमिनोज के काफ़ी सारे पिज्ज़ा ट्राई किए हुए हैं, पर मुझे ये पिज्ज़ा देख के काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी टेस्टी होने वाला है। वैसे मैं इसको पहली बार ही ट्राई करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इसको टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अभी इसको मैं सो गाइज आप देख सकते हैं कितना मतलब टेस्टी लग रहा है पिज्ज़ा। मुझे तो मतलब खाने के बाद काफ़ी मज़ा आने वाला ऐसा लग रहा है। तो चलिए चलिए अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज अभी मैं इस पिज़्ज़ा पे जो है थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑरिगेनो के साथ पिज़्ज़ा खाना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही डालता हूँ। वैसे ज़्यादा मैं नहीं खाता ऑरिगेनो को, थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो। और अभी इसको मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि ये कैसा है। वैसे इसे देखने में इतना टेस्टी लग रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, और मेरे तो मुँह में पानी भी आ रहा है अभी से। तो चलिए फटाफट इसको टेस्ट करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और वैसे खास बात यह है कि इसको मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं आपको रियल जो है वो रिव्यू इसका दे पाऊंगा कि ये सच में मुझे टेस्टी लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो चलिए फटाफट अभी मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ। तो गाइस फटाफट अभी इसको मैं टेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये सच में टेस्टी है या नहीं है। सो गाइज मुझे डोमिनोज का गोल्डन कॉर्न पिज्जा जो है वो वैसे तो काफी टेस्टी लगा, पर इसके पहले मैंने एक वेज लोडेड पिज्जा भी खाया था तो उससे ज्यादा मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। वैसे अच्छा लगा, पर जो वेज लोडेड पिज्जा जो मैंने डोमिनोज का खाया था वो मुझे इससे ज्यादा अच्छा लगा था। वैसे ये भी मतलब मैं बोलूंगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप नहीं खा सकते, वैसे काफी टेस्टी है, पर वेज लोडेड पिज्जा जो है वो इससे मुझे काफी अच्छा लगा था और ये पिज्जा मुझे उससे थोड़ा कम अच्छा लगा है। और वैसे मैं डोमिनोज के पिज्जा की बात करूँ तो उनके जो है सारे पिज्जा जो है काफी मतलब टेस्टी होते हैं, उसके साथ साथ उसका क्रस्ट जो होता है वो भी काफी अच्छा रहता है, पर इसका क्रस्ट भी मुझे थोड़ा मतलब बिल्कुल ऐसा थोड़ा पतला लगा। जैसे कि मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं इसका क्रस्ट जो है ये भी मुझे काफी पतला लगा वैसे, और मुझे जो है खाने के बाद उतना ऐसा लगा नहीं कि ये सच में इतना टेस्टी है या नहीं। वैसे एक बार और ट्राई कर लेता हूं मैं। सो गाइज मुझे गोल्डन कॉर्न पिज्जा में चीज का फ्लेवर जो है वो काफी आ रहा है और उसके बाद मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि उसमें कुछ ज्यादा खास है, और उसके ऊपर की जो टॉपिंग्स है उसका भी मुझे उतना खास
फ्लेवर नहीं आ रहा है। तो मुझे तो पता नहीं, आप लोगों ने अगर डोमिनोज का गोल्डन कॉर्न पिज्जा ट्राई किया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं आया। तो मुझे गोल्डन कॉर्न पिज्जा वैसे एवरेज लगा, वैसे इतना भी मुझे पसंद नहीं आया मैं सच बताऊँ तो। और जो वेज लोडेड पिज्जा जो मैंने डोमिनोज का ट्राई किया था वो मुझे काफी पसंद आया था वैसे, और मैंने अपने वीडियो में बताया भी था। सो गाइस ये गोल्डन कॉर्न जो पिज्जा है वो मुझे वैसे तो काफी अच्छा लगा, पर टेस्ट में वेज लोडेड से थोड़ा कमी है, और जो उसके ऊपर टॉपिंग्स वगैरह वो भी मुझे काफी कम लगे, और जो उसका क्रस्ट है वो भी मुझे थोड़ा पतला लगा। बाकी तो ओवरऑल मुझे पिज्जा वैसे तो ठीक लगा। और आप मुझे बताना कि अगर आपने गोल्डन कॉर्न पिज्जा इसके पहले कभी ट्राई किया है तो आपको कैसा लगा। सो गाइस अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।